नमस्कार, मैं मुस्कान वर्मा और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। जिले में टीकाकरण की प्रक्रिया में 45 प्लस की तुलना में 18 प्लस का युवा वर्ग अधिक हावी दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिन से शुरू हुए इस अभियान में लगातार टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। युवक हो या युवती, हर युवा वर्ग टीकाकरण के लिए खुद केंद्रों पर पहुंच रहा है और टीका लगवाने के बाद मुस्कुराता हुआ अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए संदेश दे रहा है। शहर में कई केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चंबल प्रभा और मैं रामू दुबे। आज हम पहुंच चुके हैं CSC मनिया, जहां वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार वैक्सीनेशन के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं और पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाकर यहां लोग इकट्ठे हुए हैं और एक जागरूक तरीके से यहां लोग इकट्ठे होकर अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैक्सीनेशन ही कारगर है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो दोस्तों, CSC मनिया के अंदर हमारे साथ एक साथी हैं जिनके वैक्सीनेशन हो चुका है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस हो रहा है। वैक्सीन लगने के बाद काफ़ी जो है 20 मिनट बैठने के लिए बोला है और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और सब अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अच्छा लग रहा है। कोविड के लिए क्या फायदा है इससे? कोविड में इम्यूनिटी पावर बढ़ने से जो है वैक्सीनेशन होने के बाद जो है कोरोना में बड़ी राहत मिलेगी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार का प्रयास करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा मुजरिम से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ने गांव के बाहर अकेले देख नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। नाबालिग के परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ 29 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी को पुलिस ने आज थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया, 29 अप्रैल 2021 को थाना हाजा पर नाबालिग के परिजनों ने आरोपित 18 वर्षीय ध्रुव पुत्र अनेक सिंह जाटव के खिलाफ नामजद दुष्कर्म के प्रयास का अभियोग दर्ज कराया था। रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री गांव के बाहर गई हुई थी। इस दौरान आरोपी ने अकेली बेटी को पकड़ लिया। आरोपित ने बच्चे के साथ हेवानियत करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे के चीखने पुकारने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया, आरोपित को आज थाना इलाके के लालोनी हार मोड़ से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। 29/4/2021 को एक को बलात्कार के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा नंबर 131/21, जिसमें कल दिनांक 4/5/2021 को मुलजिम ध्रुव सिंह पुत्र अनेक सिंह जाति जाटा निवासी लालोनी हार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा में उससे अग्रिम तफ्तीश जारी है और जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान के द्वारा पालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के संबंध में काफी संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान SP साहब के दिशा निर्देशन में मुलजिम की 6 दिन के अंदर गिरफ्तारी हुई है। जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिला कलेक्टर और SP केसर सिंह शेखावत ने आज भारी पुलिस बल के साथ रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए बाड़ी शहर में अभियान चलाया। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजारों गलियों में भ्रमण कर रहे बेवजह और अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया एवं कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों ने बैठक लेकर गाइडलाइन की पालना कराने के सख्ती से दिशा निर्देश देते हुए आमजन से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोग बेवजह बाजारों में नहीं घूमने से बचे। अगर कोई बेवजह सड़कों पर घूमते पाए जाएंगे तो उसे कोरोना सेंटर में क्वारंटाइन कराया जाएगा। मुंह पर हमेशा मास्क का प्रयोग करें, बाहर निकलने पर सामाजिक दूरी बनाए रखें। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़ने हेतु सरमतुरा शहर में चलाया विशेष अभियान। कोरोना नियंत्रण हेतु की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा, शहर में निकाला फ्लैग मार्च। बेवजह न घूमने व SOP की पालना करने हेतु बाजार में फ्लैग मार्च कर दिया। घरों में रहने का संदेश वही जिला कलेक्टर ने सरमतुरा में गंदगी को देखकर नाराजगी प्रकट की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को
जल्द गंदगी साफ करवाने को कहा एवं चिकित्सा व्यवस्था पर भी कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए। इस दौरान SDM सरमथुरा मनीष कुमार जाटव, CO बाबूलाल, थाना प्रभारी अनिल गौतम, निजी सहायक सचिन शर्मा, डॉक्टर गोरेलाल सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के निर्देशन के पालना करते हुए शहर टाउन चौकी प्रभारी छिद्दा सिंह ने पुराने शहर की अपील करते हुए कहा कि आम जनता लॉकडाउन की पालना करे, कोरोना संक्रमण से अपना बचाव रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, हाथ नहीं मिलाए, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोए, आपस में दूरी बनाए रखे। शहर की आम जनता पुलिस प्रशासन का सहयोग करे, अगर किसी में कोरोना सिम्टम दिखते हैं तो वह जिला चिकित्सालय में दिखाए। सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाए। जो लोग लॉकडाउन तोड़ेंगे पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कदम उठाएगी। हमारा उद्देश्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय है। आम जनता खुलकर अपराध के बारे में पुलिस को सूचना देने की आम जन से अपील की है। आज धौलपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव 302 आए हैं, 2 की मौत भी हुई है। टोटल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अब 2680 हो चुकी है और 242 लोग सही भी हुए हैं। तो इसलिए चंबल प्रवाह की अपील है, आप घरों में रहे और सुरक्षित रहे, मास्क जरूर पहने। हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का अपना न्यूज चैनल चंबल प्रभा। धौलपुर जिले सहित अन्य न्यूज देखने के लिए चंबल प्रभा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले।